किस स्वच्छता को लेकर के काम किया जा रहा है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया। योगी आदित्यनाथ लगातार, और आजमगढ़ से आपको बड़ी खबर बता देते, के न्यूज की खबर का दमदार असर देखने को मिला। आजमगढ़ में बड़े यूरिया घोटाले का खुलासा हुआ है। किसान बेहाल, नौकरशाह मालामाल, बड़ी खबर आपको हम आजमगढ़ से बता रहे हैं, जहां पर के न्यूज की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। दुकानदारों ने परिवार के नाम से बेच दी यूरिया, सचिव इस कारनामे में रहे शामिल। बड़ी खबर आजमगढ़ से, हजारों बोरियां परिवार के नाम से बेच डाली गई। घोटाला खुलने पर हरकत में आए अधिकारी, तो जिस तरीके से यूरिया की कालाबाजारी लगातार हो रही है उसको लेकर के लगातार नए नए खुलासे होते चले जा रहे हैं। के न्यूज ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद आजमगढ़ में के न्यूज की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। जल्द से जल्द होगी सभी के खिलाफ FIR। दुकानदारों ने परिवार के नाम से बेच दी यूरिया, सचिव इस कारनामे में शामिल रहे। आजमगढ़ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर के न्यूज की खबर का दमदार असर देखने को मिला है। के न्यूज ने यूरिया की कालाबाजारी को लेकर के इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद हर जगह नए नए खुलासे होते चले जा रहे हैं, कार्रवाई होती चली जा रही है। किसान बेहाल, नौकरशाह मालामाल, आजमगढ़ में बड़े यूरिया घोटाले का खुलासा हुआ है। और आपको बता दें, के न्यूज ने सुबह बोलेगा कार्यक्रम में इस मुद्दे को उठाया था, जिस तरीके से यूरिया की कालाबाजारी हो रही है इस खबर को प्रमुखता से हमने सुबह बोलेगा कार्यक्रम में दिखाया था, जिसके बाद हर जगह से खुलासे होते चले जा रहे हैं, घोटाले सामने आते चले जा रहे हैं, कार्रवाई होती चली जा रही है। के न्यूज ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद के न्यूज की खबर का दमदार असर देखने को मिल रहा है। जल्द दर्ज होगी सभी के खिलाफ FIR। तो जहां जहां यूरिया की कालाबाजारी हो रही है वहां पर लगातार जांच हो रही है और जल्द ही कार्रवाई दर्ज की जाएगी। सचिव भी इस पूरे कारनामे में शामिल है। के न्यूज की खबर का दमदार असर देखने को मिला है। आजमगढ़ से खबर आपको हम बता रहे हैं, के न्यूज ने अपने सुबह बोलेगा कार्यक्रम में इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद हर जगह के न्यूज की खबर का दमदार असर देखने को मिल रहा है। किसान बेहाल, नौकरशाह मालामाल, आजमगढ़ में बड़े यूरिया घोटाले का खुलासा हुआ है। दुकानदारों ने परिवार के नाम से बेच दी यूरिया, सचिव भी इस पूरे कारनामे में शामिल रहे और जल्द ही FIR दर्ज हो सकती है। बुलेटिन फिलहाल।